नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहां पे कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रुपये जी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो कमोडिटी बाजार के अपडेट में सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। देख रहे हैं कि सोना इस वक्त $1804 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और सिल्वर $24.4 पर आधे फीसदी की तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज जो सोना चांदी है उनके अंदर एक ठीक ठाक लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोना $1800 के ऊपर निकल चुका है और चांदी भी $24 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोना चांदी में लेवल्स ठीक है लेकिन लाल निशान पर है। दरअसल अमेरिकी बॉन्ड में और डॉलर में तेजी के चलते सोने चांदी में एक हल्की सी नरमी देखने को मिली। और दूसरा, इस हफ्ते सेंट्रल बैंक की मीटिंग होने वाली है जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, तो सब सारे के सारे निवेशक ये जानना चाहते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या अपनी पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव करेगा, नहीं करेगा या नई पॉलिसीज लेकर आएगा जिसकी वजह से आगे सोने चांदी की जो सेफ हेवन डिमांड है वो तय हो पाएगी। तो आज के कार्रवाई सत्र में सोने चांदी में खरीदारी करके चलना रहेगा, सही रहेगा या फिर बिकवाली करके, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि आज सोने चांदी की जो कीमतें हैं लेवल्स तो ठीक ठाक हैं लेकिन एक लाल निशान पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है सोने चांदी में अब क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे आगे? देखिए, सोने और चांदी के अंदर $1800 के ऊपर अब सोना निकल चुका है तो यहाँ से मुझे लगता है कि बाजारों के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है और सोना फिलहाल यहाँ से 1820 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है कि 1500 रुपए तक की तेजी जो है आने वाले कुछ दिनों में सोने के अंदर बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो देख रहे हैं कि WTI $83 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं रूपा जी, अमेरिका के अंदर जो कच्चे तेल की जो डिमांड है कम उत्पादन के चलते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रही है और दूसरा ग्लोबली भी जो सप्लाईज हैं क्रूड ऑयल की वो भी थोड़ी टाइट हैं, आपको ऐसे में क्या लगता है? जिस हिसाब से स्ट्रांग डिमांड है और सप्लाई थोड़ी कम देखने को मिल रही है तो क्रूड आगे कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, सप्लाई बिल्कुल अभी डिस्टर्ब्ड है और वहीं देखा जाए तो डिमांड लगातार ग्लोबली लेवल पर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसके चलते ही हम देख रहे हैं कि क्रूड के अंदर लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि WTI $85 तक जा सकता है और वहीं ब्रेंट की बात करें तो $88 तक के स्तर एक बार ब्रेंट में भी देखने को मिल सकते हैं। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है? खबर निकल के सामने आई कि शंघाई फ्यूचर्स में कॉपर का जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा लो देखने को मिल रहा है, 2009 के लो पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी कॉपर में फिलहाल यहाँ से एक बार अपसाइड मोमेंटम लगातार हम देख भी रहे हैं कि बनता हुआ दिखाई दिया है और आज भी हमने देखा है कि कॉपर के अंदर हर निचले स्तर पर खरीदारी ही आती हुई दिखाई दिया और कॉपर में अभी भी जो फंडामेंटल है वो काफी सपोर्टिव है। मुझे लगता है कि कॉपर में हर निचले स्तर पर फिलहाल खरीदारी की रणनीति लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, इसे बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो अब देख रहे हैं कि सर्दियां आ गई हैं और नेचुरल गैस की भी हमने किल्लत देखी है, तो आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में आगे कैसे रुझान देखने को मिल पाएगा? देखिए, नेचुरल गैस के अंदर अभी तेजी का रुझान बनता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है कि डिमांड जो है अभी फिलहाल पिकअप होती हुई नजर आ सकती है। आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आपसे नॉन एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स जानना चाहेंगे जिनके अंदर आज इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए, अगर आज नॉन एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो नॉन एग्री कमोडिटीज में अभी हाल फिलहाल में देखिए सभी कमोडिटीज के अंदर इसमें तेजी ही बनती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो बेस मेटल्स हों या फिर अगर हम देखें बेस मेटल्स के अलावा गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो उसमें भी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और वहीं कच्चा तेल भी अपने नए रिकॉर्ड पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सभी बेस मेटल्स में तेजी का ही रुझान है और आज इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोना और चांदी एक बार फिर से चमक बिखेरते हुए नजर आ सकते हैं, त्योहारी सीजन की मांग निकल सकती है तो मुझे लगता है कि सोने और चांदी के अंदर भी खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। आज जरूर बाजार हल्की गिरावट दिखा रहे हैं लेकिन इस गिरावट पर खरीदारी बनाई जा सकती है। वहीं कॉपर में बाइंग करके चला जा सकता है, 780 का टारगेट आने वाले दिनों में कॉपर में भी देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि सोना चांदी में त्योहारी सीजन के चलते काफी अच्छी चमक देखने को मिल सकती है, सोने चांदी की चमक एक बार फिर से बरकरार होती हुई नजर आ सकती है।
तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जब हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल मार्केट टाइम्स सीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स सीवी पर।